जहां पर रोल प्ले करेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी ऑफ द पायथन एंड दैट इज अ मैटप्लॉटलिब, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूजफुल पैकेज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। कितने तरीके से हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी। सो विद दिस प्लॉट फंक्शन वी डिजाइन अवर चार्ट। आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज जब भी हम किसी ग्राफ को डिजाइन करेंगे। लीजेंड क्या होता है, राइट? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन मैटप्लॉट लाइब्रेरी के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी मैटप्लॉट लाइब्रेरी की। लास्ट टाइम हमने बात की डेटा एनालिसिस के बारे में, जहां पर हमने पांडाज लाइब्रेरी को यूज किया था फॉर डेटा एनालिसिस। लेकिन अब बात होगी कि यदि आप डेटा को एनालिसिस करते हैं यूजिंग, हमने पांडाज की बात की, हमने नमपाई की बात की, कि जब हमारे पास डेटा है, ठीक है, तो इस डेटा को मुझे स्टेप वन में क्या करना है, आई विल गो फॉर एनालिसिस ऑफ दिस डेटा, राइट? लेकिन आफ्टर एनालिसिस जब आपके डेटा का रिजल्ट आपको मिलेगा, तो उस रिजल्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्मेट में, विजुअलाइज फॉर्मेट में, राइट? चार्ट के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में। क्योंकि आप देखिए, डेटा का एनालिसिस की तो हमने काफी बातें कर ली कि पांडास को यूज करके, नमपाई को यूज करके, हाउ टू एनालिसिस दिस डेटा। लेकिन आफ्टर एनालिसिस जब बात होगी प्रेजेंटेशन की, कि मुझे अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, तो वहां पर होगी डेटा विजुअलाइजेशन की, कि किसने तरीके से हम डेटा को विजुलाइज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर रोल प्ले करेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी ऑफ द पायथन एंड दैट इज अ मैटप्लॉटलिब। तो एग्जैक्टली अगर हम मैटप्लॉटलिब को डिफाइन करें, सो मैटप्लॉटलिब इज नथिंग बट इट इज अ पैकेज ऑफ पायथन विच इज यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूजफुल पैकेज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। कि जब भी बात होगी डेटा को विजुलाइज करने की, चार्ट के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में, तो वी आर गोइंग टू यूज द लाइब्रेरी कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। लेकिन इस मैटप्लॉटलिब को कैसे यूज करना है, व्हाई इट इज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब, कितने तरीके से हम मैटप्लॉटलिब को यूज करके ग्राफ या चार्ट डिजाइन कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज के सेशन में। तो देखिए, मैटप्लॉटलिब को यदि मैं डिफाइन करूं, तो मैटप्लॉटलिब इज नथिंग बट मैट मीन्स इट्स अ मैथ, प्लॉट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट plotting the graph or chart, and lib मतलब it's a library. So the full form of matplotlib is nothing but it's a math graph library. कि this is basically used to data. और data किस तरीके का, numerical data. मतलब mathematical data की हम बात कर रहे हैं। हमने पांडास में देखा कितने तरीके से हम data को use करते हैं, series के format में, frame के format में, data frame के format में, panel के format में. But this all data is in a mathematical data. इट्स ए न्यूमेरिकल डेटा, और जब उस न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, सो वी विल गो फॉर मैटप्लॉट लाइब्रेरी, राइट? तो सबसे पहले स्टेप में हमें इस मैटप्लॉटलिब पैकेज को इंस्टॉल करना है, जिसका इंस्टॉलेशन मैं आपको प्रैक्टिकली ही बता पाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे इंस्टॉलेशन समझना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और बड़ा सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। हमें पता है कि किसी भी पैकेज को हम पाइथन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, पीआईपी कमांड हमने पढ़ी है, बट प्रैक्टिकली मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन भी हम लोग सीखेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आज के लेक्चर में हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को समझते हैं, और फिर इसके बाद इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में चीजें ज्यादा बेटरली हमारी समझ में आ जाएगी। लेकिन समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, बस ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल पैकेज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो जब हम बात करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी के डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो सी दिस वन, यहां पर हमारा सबसे मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करेंगे, तो किस तरीके से हमारा डेटा विजुलाइजेशन होगा, और ग्राफ जब आपका डिजाइन होगा, तो उस ग्राफ में बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, कि एक्सेस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ठीक है, लेजेंड किसको बोलते हैं, ये जब आप ग्राफ डिजाइन करेंगे, तो ये ग्राफ को आपको कुछ इस तरीके से लुक एंड फील देगा। तो आप समझिए, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप में हम बात करते हैं एक्सेस के बारे में। व्हाट इज एन एक्सेस? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड एक्सिस, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड एक्सिस। एक्सेस मतलब द एरिया जहां पर आप अपना मैटप्लॉट लाइब्रेरी का ग्राफ या चार्ट को डिजाइन करेंगे। जैसे मान लो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये मेरा फिगर है, क्योंकि जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो वी विल फाइंड समथिंग फिगर वन, ओके। अब इस फिगर वन में अगर आपने इस एरिया में अपना कोई एक, क्योंकि आप देखिए, एक ग्राफ में हम एक फिगर में मल्टीपल ग्राफ भी डिजाइन करेंगे, राइट? तो जब मैं इस ग्राफ को डिजाइन करूंगा, राइट, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कि बॉस ये मेरा ग्राफ है, और इस ग्राफ में अगर मैं लाइन ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा। तो ये जो एरिया जहां पर आपका ग्राफ डिजाइन हुआ है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एक्सेस। तो ये मैं बोलूंगा दिस इज एक्सेस वन, या मैं अगर मैं इसमें एक और कोई इस तरीके का ग्राफ डिजाइन करता हूं, सो आई कैन से दैट दिस इज एक्सेस टू,
ठीक है, ये मेरा ग्राफ, ये ठीक है मैंने अभी कुछ zigzag way में डिजाइन किया हुआ है, बट इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये मेरा एक्सेस होगा। तो एक्सेस मतलब क्या कि जब हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी में ग्राफ डिजाइनिंग की बात करते हैं तो एक्सेस मतलब द एरिया जहां पर आप अपना ग्राफ को डिजाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेस। लेकिन जब इस ग्राफ को हम डिजाइन करेंगे तो ये ग्राफ 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, राइट? और जब ग्राफ 2D या 3D होता है तो यार 10th में हमें पढ़ा है हमने कि बॉस दो एक्सिस होते हैं, एक को हम बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है, वन इज कॉल्ड x एक्सिस, ये है एक्सिस, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। तो एक्सिस मतलब क्या, द डायमेंशन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फॉर अ ग्राफ। कि हमने x एक्सिस लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मैं किसी स्टूडेंट के लिए ग्राफ डिजाइन कर रहा हूं कि मुझे स्टूडेंट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेड बतानी है कि बॉस यदि परसेंटेज 50% है, या मान लो परसेंटेज अगर आपके 0 से 30 के बीच में है तो ये पास होगा या फेल होगा, या ये फर्स्ट डिवीजन में होगा या ये सेकंड डिवीजन में होगा, तो समथिंग लाइक दिस हम इस तरीके से इसका ग्राफ डिजाइन करेंगे। ओके, तो एक्स एक्सिस मतलब इस ग्राफ का वो पार्ट जहां पर आप एक्स कोऑर्डिनेशन डिफाइन करेंगे, और वाई एक्सिस मतलब जहां पर हम वाई कोऑर्डिनेशन डिफाइन करेंगे, और यदि ये ग्राफ 3D ग्राफ है तो फिर इसका जेड एक्सिस भी आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेड एक्सिस। तो जब भी एक ग्राफ को हम डिजाइन करते हैं, इस ग्राफ में एक्सेस मतलब द एरिया वेयर यू प्लॉट योर ग्राफ, जहां पर आप अपना ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो प्लॉट कहलाता है एक्सेस। लेकिन जब एक ग्राफ डिजाइन होता है तो यदि वो 2D ग्राफ है तो उसके एक्स और वाई एक्सिस होंगे, और यदि वो 3D ग्राफ है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होंगे। दोनों तरीके से हम चीजों को समझेंगे, डोंट वरी, राइट? अब इसी ग्राफ में अगर हम देखें तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो हैविंग वन मोर पार्ट। ये तो हमने बात की एक्सेस के बारे में, ठीक है, ये एक्सेस है, और इस एक्सेस में अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है समथिंग लाइक दिस, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया सपोज, ठीक है, ये हमने वाई एक्सिस बोल दिया, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें आप समझना कि जब ये ग्राफ डिजाइन होगा एंड दिस इज माय एक्सिस, जहां पर आप एक्सिस, राइट? अब जब इस ग्राफ को आप डिजाइन करेंगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड सब कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पर आपको याद रखनी पड़ेगी, बच्चे समझो बात को। जैसा जब हम डेटाबेस पढ़ते हैं तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी याद करते हैं, इंसर्ट डिलीट, जब हम पाइथन पढ़ते हैं तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी याद करते हैं, राइट? हर पैकेज या कोई भी टेक्नोलॉजी जब पढ़ी जाती है तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी पता होना चाहिए, सो दैट अब यदि हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, यदि आपने किसी ने आपसे पूछ लिया ओके व्हाट इज द मार्कर इन दैट, तो आपको पता होना चाहिए मार्कर मतलब एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं, लीजेंड क्या होता है, राइट? तो जब ये जब हम इस ग्राफ को डिजाइन करते हैं तो इस ग्राफ में यहां पर हमें कुछ इस तरीके से स्क्वायर में कुछ डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करेंगे लाइन कलर के लिए, ये कहलाता है लीजेंड, दिस इज कॉल्ड लीजेंड। लीजेंड इज एक्चुअली डिफाइन द लाइंस प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ, कि आपके ग्राफ की लाइन प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ग्राफ में यू कैन सी देयर आर मल्टीपल लाइंस आल्सो, कि बॉस ये लाइन है, देन देयर इज एन अनदर लाइन इन दिस ग्राफ, राइट? ये एक लाइन है, तो यदि आपके ग्राफ में इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल लाइंस, तो इस व्हाइट लाइन को हमने क्यों यूज किया हुआ है, ठीक है, ऑरेंज लाइन को हमने क्यों यूज किया हुआ है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड लीजेंड, ये कहलाता है लीजेंड पार्ट, राइट? एक्सेस में यहां पर हम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइटल, कि जो भी आप ग्राफ डिजाइन कर रहे हैं यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द ग्राफ। यदि ग्राफ आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आप टाइटल में बता दीजिए कि ग्राफ किस तरीके का ग्राफ रहेगा, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्राफ बेसिकली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट? तो ये है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, कि जब हम ग्राफ डिजाइन करेंगे यूजिंग मैटप्लॉटलिब तो इस तरीके से हमारा ग्राफ डिजाइन होगा। लेकिन जब इस ग्राफ को हम डिजाइन करने की बात करते हैं यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी, तो सी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राफ और चार्ट, यू कैन से दैट, जो कि हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी से डिजाइन कर सकते हैं। कितने तरीके से डिजाइन होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? सी दीज आर द टाइप ऑफ द चार्ट, ये है टाइप ऑफ द चार्ट, कि विद मैटप्लॉटलिब वी कैन गो फॉर लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट कि बार चार्ट किस तरीके से दिखेगा, ग्रिड क्या होती है चार्ट में, ठीक है, हिस्टोग्राम चार्ट क्या होता है, स्कैट चार्ट क्या होता है, पाइप प्लॉट क्या है, दिस आर द टाइप्स ऑफ द चार्ट। जैसा अभी जो मैंने डिजाइन किया दैट इज अ लाइन चार्ट, बार चार्ट आपने कुछ इस तरीके से कभी देखा होगा, इस तरीके से बार आते हैं, दिस इज कॉल्ड बार चार्ट, राइट? ये आपका बार चार्ट कहलाता है। इसी तरीके से हिस्टोग्राम, इसी तरीके से स्कैट चार्ट। तो मैटप्लॉटलिब जैसे मैंने आपको बोला ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टूल, और यू कैन से दैट पैकेज ऑफ पाइथन फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, कि कितने तरीके से हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन अब यहां पर अगर हम इन चार्ट को डिजाइन करने की बात करते हैं, या मेरे को लाइन चार्ट डिजाइन करना है, या बार चार्ट डिजाइन करना है, या हिस्टोग्राम चार्ट डिजाइन करना है, तो ये जो मैटप्लॉटलिब है, एक्चुअली मैटप्लॉटलिब क्या है? इट इज अ पैकेज, इट इज अ पैकेज इन पायथन, ओके? एंड दिस पैकेज प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ टू मॉड्यूल बेसिकली, राइट? कि इस मैटप्लॉटलिब को यूज करके, मैटप्लॉटलिब इज बेसिकली प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, ये मेरा पैकेज है, ओके? तो सबसे पहले तो मुझे इस पैकेज को, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, तो इन द स्टेप वन मुझे मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है यूजिंग पीआईपी कमांड, जो अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे, नॉट अ बिग डील, राइट? लेकिन जब हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करेंगे फॉर डिजाइनिंग अ ग्राफ और चार्ट, तो हियर वी आर हैविंग टू मॉड्यूल, दो मॉड्यूल हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड पाई प्लॉट एंड सेकेंड इज कॉल्ड पाइलिब, ठीक है? तो अभी जो इनिशियली हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट पाई प्लॉट मॉड्यूल, एंड लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट पाइलिब, कि दो तरीके हैं जिससे हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी पैकेज में, देर आर टू मॉड्यूल अवेलेबल इन मैटप्लॉट लाइब्रेरी, वन इज कॉल्ड पाइप्लॉट एंड सेकेंड इज कॉल्ड पाइलिब। तो अभी जो हम यूज करने वाले हैं वो है पाइप्लॉट, कि हाउ टू यूज पाइप्लॉट मॉड्यूल एंड व्हाट आर द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस पाइप्लॉट मॉड्यूल, कि इस पाइप्लॉट मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन होंगे जिनको यूज करके हम अपना ग्राफ डिजाइन करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो चलिए देखते हैं, यहां पर एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, लेट्स सी, बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी की। तो स्टेप वन पे हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं इस प्रोग्राम में कि हमने मैटप्लॉटलिब पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है, एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू इंपोर्ट दिस पैकेज। तो क्या लिखा हमने, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट, ठीक है? ये तो हुआ आपके पैकेज का नाम, कि आपने जिस पैकेज को हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ मैटप्लॉटलिब। लेकिन इस मैटप्लॉटलिब में, अभी मैंने आपको क्या बोला, देयर आर टू मॉड्यूल्स, दो मॉड्यूल है हमारे पास मैटप्लॉटलिब में, वन इज कॉल्ड पाइप्लॉट एंड सेकंड इज कॉल्ड पाइलिब। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो है पाइप्लॉट, तो यहां पर हमें यूज करना है मैटप्लॉटलिब। मैं सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताने वाला हूं, डोंट वरी, लेकिन एक चीज समझिए, थ्योरेटिकल चीजें अगर आप समझ पाएंगे तो प्रैक्टिकल तो टाइप करके केवल चेक करना है हमें। इनिशियल लेवल पे आपको दोनों लेवल पे चलना पड़ेगा, थ्योरी लेक्चर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है और प्रैक्टिकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, हम किसी भी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? तो समझने की कोशिश करते रहे और समझिए, राइट? तो क्या किया हमने, सबसे पहले इंपोर्ट किया पाइप्लॉट मॉड्यूल को, जो कि मैटप्लॉटलिब पैकेज में अवेलेबल है। दिस इज माय पैकेज नेम एंड दिस इज माय मॉड्यूल नेम, ठीक है? ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है? और इसका हमको एक एलास डिक्लेयर कर देते हैं एज, मान लो मैंने ले लिया मैट के नाम से, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? मतलब नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉड्यूल विथ मैट, कि अगर मुझे कोई भी फंक्शन कॉल करना है, देन आई यूज मैट, जो कि मैंने एक शॉर्टकट डिजाइन कर लिया, या यू कैन से दैट एलाइज हमने इसका डिजाइन कर लिया है, सॉरी डिफाइन कर दिया है। तो यहां पर अब अगर मुझे स्टेप वन पे अगर मुझे ये लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, इफ आई वॉन्ट टू डिजाइन दिस लाइन चार्ट, राइट? तो इसका मतलब है मुझे इसके एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, मुझे इसके वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, ओके? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कैसे हम डिफाइन करेंगे, राइट? तो यहां पर मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके हैं, वी कैन गो फॉर अरे, ठीक है? वी कैन गो फॉर नम पाई अरे। तो यहां पर लिस्ट, तो यहां पर फिलहाल अभी हम यूज कर रहे हैं लिस्ट का। तो यहां पर सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई एक्स के नाम से, एक्स इक्वल टू, और यहां पर हमने इस लिस्ट के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए, x इक्वल टू, हियर वी कैन प्रोवाइड 0, 1, 2, 3, 4, 5 सपोज, ठीक है? मुझे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और y कोऑर्डिनेट हमने दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगेन। दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाकी तो हम प्रैक्टिकली चीजें समझेंगे, राइट? अब मेरे पास ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, पैकेज मैंने इंपोर्ट कर लिया है, मॉड्यूल मेरे पास है, MLT मैंने इसका शॉर्टकट नेम डिजाइन कर लिया है, राइट? Now, if I want to design a, or you can say that, यहाँ पर हम बोलते हैं not a design, we want to plot the graph. कि अगर मुझे chart plot करना है या graph plot करना है, तो inside this pie plot module, we have a function called plot function. We have a function called plot. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक function है mat dot plot. This plot function
करेंटली रिक्वायर्ड टू आर्ग्यूमेंट। नो डाउट इसमें भी हम मार्कर की भी बात करेंगे, लाइन की भी बात करेंगे, देर आर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आर देर, बट राइट नाउ एज ए बिगिनिंग अभी हम बात करते हैं दिस प्लॉट फंक्शन रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। कि आपको जिस कोऑर्डिनेशन के साथ अपना प्लॉट डिजाइन करना है, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ आपको अपना चार्ट डिजाइन करना है, वो कोऑर्डिनेट आपको इसको देना है, दिस इज एक्स एंड वाई, राइट। सो विद दिस प्लॉट फंक्शन वी डिजाइन अवर चार्ट। कि जो भी चार्ट आप डिजाइन कर रहे हैं, अभी हम लाइन चार्ट की बात कर रहे हैं स्टेप वन पे, ठीक है। तो मैट डॉट प्लॉट, दिस प्लॉट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू प्लॉट द ग्राफ, ओके। देन सेकेंड स्टेप, मुझे इस प्लॉट को सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करना है, राइट। तो हियर वी आर यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड शो। यहां पर जो फंक्शन हम यूज करेंगे दैट इज अ शो फंक्शन। तो दिस शो इज अ फंक्शन, अभी मैं बेसिक दो फंक्शन की बात कर रहा हूं, राइट। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस। यदि मैं अभी इन दो फंक्शन को यूज करके इस एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो यदि मेरा पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और अगर आपने कोड एज इट इज लिखा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ इन योर सिस्टम। कि जैसे इस एप्लीकेशन को मैं रन करूंगा, आई विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ जहां फिगर वन लिखा होगा, ठीक है, और इस फिगर वन के बाद मुझे इस तरीके से ग्राफ डिजाइन होके मिलेगा, राइट। तो अब ये जो ग्राफ आपका डिजाइन हुआ है, राइट, इस ग्राफ में अब मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक्स, और ये कुछ इस तरीके से होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, वाई एक्सिस होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमने जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन अब मुझे इसके बाद इसमें क्या करना है, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू राइट समथिंग ऑन एक्स एक्सिस और यू वांट टू राइट समथिंग ऑन वाई एक्सिस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मैंने बोला कि सर ये एक्स एक्सिस है, तो मुझे यहां पर लिखना है एक्स एक्सिस, ठीक है। इफ इट इज अ वाई एक्सिस, तो मुझे यहां पर लिखना है वाई एक्सिस, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है, इस ग्राफ के एक्स लेबल और वाई लेबल को डिफाइन करना है। आई वॉन्ट टू डिफाइन द एक्स लेबल एंड वाई लेबल ऑफ दिस ग्राफ। तो अगेन वी हैव अ फंक्शन इन दिस पाइप्लॉट मॉड्यूल, जिसका हमने जो एलाइज यूज किया वो मैट के नाम से किया है। तो दिस इज मैट डॉट एक्स लेबल, और इस एक्स लेबल में आपको बताना है कि आपको एक्स लेबल पे क्या लिखना है। तो मैंने सिंपली लिख दिया एक्स एक्सिस। सिमिलरली मैट डॉट वाई लेबल, एंड इन दिस वाई लेबल आपको बताना है आपको वाई लेबल पे क्या लिखना है। तो मैंने फिलहाल लिख दिया वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज करो यदि मैं किसी इस तरीके के ग्राफ को बता रहा हूं जहां पर मुझे स्टूडेंट के परसेंटेज को डिफाइन करना है, या मुझे किसी कस्टमर के रिलेशन को डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, राइट, कि किस तरीके के कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर हम कस्टमर लिख देंगे, यहां पर हम प्रोडक्ट लिख देंगे, यहां पर हम स्टूडेंट लिख देंगे, यहां पर हम मार्क्स लिख देंगे, यहां पर हम कॉलेज लिख देंगे, यहां पर हम स्टूडेंट लिख देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन जहां पर आप इस ग्राफ को यूज कर रहे हैं। अभी एज अ बिगिनर हमें एक एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी की बात करना है कि व्हाट इज दिस प्लॉट फंक्शन, व्हाट इज दिस शो फंक्शन। एंड रिमेंबर, यदि आप एक्स और वाई लेबल दे रहे हैं, देन ऑलवेज यूज शो फंक्शन एट द एंड, ठीक है। मतलब सारी डिटेल देने के बाद देन एट द एंड वी हैव टू राइट मैट डॉट शो। एक्चुअली दिस शो फंक्शन इज यूज्ड टू शो द ग्राफ, राइट। तो ये हमने एक्स लेबल डिफाइन कर दिया, ये हमने वाई लेबल डिफाइन कर दिया, एंड देन फाइनली वी आर यूजिंग दिस फंक्शन कॉल्ड शो फंक्शन। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे इसमें एक टाइटल भी देना है, कि दिस इज अ प्लॉट, सपोज दिस इज अ लाइन चार्ट, तो मैं चाहता हूं इसमें इस तरीके का एक टाइटल मुझे देना है लाइन चार्ट के नाम से, राइट। तो टू सेट द टाइटल इन अ चार्ट, अगेन वी हैव अ फंक्शन कॉल मैट डॉट टाइटल, मैट डॉट टाइटल। एंड दिस मैट डॉट टाइटल फंक्शन रिक्वायर्ड द टाइटल जो कि आपको इस पे देना है, दैट इज व्हाट मैंने लिख दिया अभी लाइन, जो भी आपको लिखना है लाइन चार्ट और वॉट एवर यू वॉन्ट लाइन चार्ट, ठीक। ये थोड़ा सा एक्स वाई एक्सिस इधर से हटा देते हैं, दिस इज लाइन चार्ट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज। जब भी हम किसी ग्राफ को डिजाइन करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट, एंड प्लॉट मेथड और फंक्शन रिक्वायर टू आर्ग्यूमेंट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस अभी हमने लिस्ट के फॉर्मेट में यहां पर दिए हुए हैं। Then secondly, we require title. Title के बाद आपको x label, y label define करना है, and then finally you have to show this graph. Remember, if you cannot use this show function, graph cannot be displayed in front of you. तो यदि आपको graph को display करना है, then we'll talk about this show function, right?
अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे, जिसका जस्ट इंट्रोडक्शन में भी दे रहा हूं यहां पे, कि एवरी ग्राफ इज हैविंग अ मार्कर। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये देखिए आप, ये एक मार्कर है जहां पर हम इसको 2 से 2 से डिफाइन करेंगे, सपोज दिस इज 1 to 1। तो ये जो मार्कर है, दिस इज कॉल्ड मार्कर इन अ ग्राफ। ठीक है, कि किस तरीके से हम मार्कर डिफाइन करेंगे ग्राफ में। ठीक है, इस तरीके से नहीं आएगा, ये तो मैं लाइन बता रहा हूं, लेकिन ये जो मार्कर है, इन मार्कर को किस तरीके से डिफाइन करना है। और यू वॉन्ट टू चेंज द लाइन ऑफ द ग्राफ, आपको आपकी ग्राफ की लाइन का कलर चेंज करना है, थिकनेस चेंज करनी है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स आर अवेलेबल, डॉटेड लाइन है, सॉलिड लाइन है, डैश्ड लाइन है। मार्कर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कितने तरीके से मार्कर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट ग्रिड क्या होती है। ठीक है, कि ग्रिड मतलब यदि आप एक इस तरीके का ग्राफ चाह रहे हैं जहां बैकग्राउंड में आपको एक्स और वाई एक्सिस में ग्रिड चाहिए, तो ये सारी चीजें, सारी बातें अभी हम ग्राफ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल अभी हमने एक ग्राफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कि जब भी आप एक ग्राफ को डिजाइन करेंगे, देन व्हाट इज बेसिकली ए ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अ पिक्चर सेज मोर देन अ वर्ड। कि यदि आपका डेटा विजुअलाइजेशन अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में, पिक्चराइजेशन ग्राफिकल फॉर्मेट में करेंगे, सो दैट विल लुक मोर इंपैक्टफुल रादर देन कि आप डेटा के फॉर्मेट में चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज जब मैंने आपको पांडास पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था कि देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसको एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें उसके डेटा विजुअलाइजेशन पे जाना पड़ता है, राइट? क्योंकि डेटा एनालिसिस का टास्क तो हम पांडास को यूज करके कर लेंगे, नंपाई को यूज करके कर लेंगे, बट वेन एवर विल टॉक अबाउट द विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल फॉर्मेट, क्योंकि जब तक आपका डेटा ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं होगा, लुक एंड फील में आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, राइट? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब की। तो एक बार शुरुआत से देखते हैं हमने क्या क्या बात की यहां पे। तो स्टार्टिंग हमने की थी, दिस इज व्हाट मैटप्लॉट लाइब्रेरी इन पाइथन। देन हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज बेसिकली ए ग्राफ, की ग्राफ होता क्या है, है ना? मैटप्लॉटलिब की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि मैटप्लॉटलिब इज वन ऑफ द पैकेज इन पाइथन व्हिच इज यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। कि मैटप्लॉटलिब पाइथन का एक पैकेज है जिसका यूज हम करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? एंड दिस इज व्हाट द ग्राफ, ये मैंने अभी एक ग्राफ बनाया है, दिस इज द लाइन ग्राफ। तो इस ग्राफ में द एरिया जहां पर हम ग्राफ को डिजाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेस, ठीक है? और ये जो है, ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड एक्सिस। एक्सेस इज द एरिया जहां पर आपका ग्राफ डिजाइन हुआ है, एंड एक्सेस आर द कोऑर्डिनेट, राइट? लीजेंड इज बेसिकली यूज फॉर डिफाइनिंग द लाइन ऑफ द ग्राफ, कि आपके ग्राफ में कौन सी लाइन किस पर्पज के लिए आप यूज करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द लीजेंड, ओके? एंड देन आफ्टर हम लोगों ने बात की थी कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी पैकेज दो तरीके से हमें ग्राफ डिजाइन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वन इज यूजिंग पाइप्लॉट मॉड्यूल, एंड सेकेंड इज यूजिंग पाइलिब मॉड्यूल। लेकिन स्टेप वन पे अभी जो मॉड्यूल हम यूज करने वाले हैं, वो है पाइप्लॉट मॉड्यूल, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, राइट? तो पाइप्लॉट इज अ मॉड्यूल विच इज अ मेंबर ऑफ मैटप्लॉटलिब पैकेज, ओके? देन नेक्स्ट स्टेप में हमने बात की कि बॉस दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड फंक्शन टू डिजाइन एनी ग्राफ। ठीक है, जब आप ग्राफ डिजाइन करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इस तरीके से लाइन मिलेंगी, ठीक है? यू विल फाइंड एन स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको ये मार्कर को समझाने के लिए बात की थी, एग्जैक्टली जब आपका ग्राफ आएगा तो इट इज समथिंग लाइक दिस, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? एंड यहां पर आपके कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट हम दे रहे हैं, राइट? अभी फिलहाल मैंने सिंपल एक ग्राफ को डिजाइन किया हुआ है, एंड दिस इज व्हाट द मार्कर जो हमने बात की थी, ओके? यदि आपने मार्कर दिए हैं तो ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कि मार्कर क्या होते हैं और किस तरीके से मार्कर को डिफाइन करेंगे। सो रिमेंबर दिस आर द एसेंशियल फंक्शन टू डिजाइन अ प्लॉट, कि प्लॉट इज अ फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब पाई मॉड्यूल पैकेज विच इज यूज टू प्लॉट द ग्राफ। टाइटल, जो कि टाइटल के लिए यूज होगा, अगर मैंने लाइन चार्ट लिखा है, सो आई विल गेट दिस टाइटल हियर। एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट द एक्स एक्सिस, राइट? मतलब यहां पर यू विल फाइंड दिस डेटा एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली यहां पर हमें मिलेगा वाई एक्सिस। सो दिस इज हाउ टू डिजाइन अ सिंपल लाइन चार्ट यूजिंग मैटप्लॉटलिब पैकेज और मैटप्लॉटलिब पैकेज के पाइप्लॉट मॉड्यूल के साथ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी, जहां पर आज हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी को स्टार्ट किया है, और अभी तो आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। बस बने रहना है इस कोर्स के साथ,
और फैंटास्टिक वे में हम डेटा विजुअलाइजेशन देखेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे। मैंने आपको बहुत सारे टाइप ऑफ चार्ट भी बताए हैं, लाइन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम, स्कैट, पाई प्लॉट, इन सारे चार्ट को किस तरीके से डिजाइन करना है, कितने टाइप से हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। बस बने रहिए इस कोर्स में, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पाई प्लॉट, मैटप्लॉटलिब के, पाई प्लॉट, पाईलिब और इन सारे चार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।